टॉरस, वेलकम टू गुरु मंडी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के फोर्थ वीक की। चलिए देखते हैं फिर क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ जनवरी। सिक्स ऑफ ग्रेव्स, एम्प्रेस, डॉटर ऑफ स्कल्स, Prince of Scepters, and Strength. तो हमारे पास सिक्स ऑफ ग्रेल्स है। सिक्स ऑफ ग्रेल्स के साथ कोई आपको मिस कर रहा है, आप तो एम्प्रेस हैं। वैसे कि तो एम्प्रेस टॉरस का ही कार्ड है, तो इस पर्सन को याद आ रहे हैं आपके सेक्रीफाइसेस, इस पर्सन को याद आ रहा है आपका प्यार, आपका डेडिकेशन। और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनसे क्या गलती हुई है। प्रिंस ऑफ सेप्टर्स के साथ आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो कि बहुत सीरियस नहीं है, जो कि you know, बहुत सारे रिलेशनशिप में पहले भी रह चुका है, या अपने कमिटमेंट को हमेशा तोड़ना उनकी आदत है। you know, रिलेशनशिप में आना जाना लगा रहता है और इनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। शायद आपको ऐसा ही लगता है, या आप किसी ऐसे ही पर्सन से इस वक्त डील कर रहे हैं। पर अब आपसे टैरो कह रहा है कि स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ टॉरस, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। ओके, कुछ ऐसे इश्यूज जरूर हो सकते हैं आपके लाइफ में जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपके ऐसे कुछ थॉट्स हो सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं जिनको आप कंट्रोल में नहीं ला सकते, पर एटलीस्ट आप अपने आप को एक्ट करने से रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं शायद इस पर्सन के लिए आपके अंदर अभी भी फीलिंग्स है जो कि बहुत नॉर्मल है, बट स्ट्रेंथ आपसे कह रहा है कि जो भी डिसीजन चाहे आप ले रहे हो इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके, उसको फॉलो करने का करेज रखिए, गिव अप मत कीजिए। और डॉटर ऑफ स्कल्स तो आप है ही, यानी इस पर्सन के लिए आप वे बेटर हैं। इस पर्सन को पता है कि आप सीरियस है, आप मैच्योर हैं और आप लॉयल हैं, अपने कमिटमेंट को लेके सीरियस हैं। और कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उन्होंने कोई जेन्युइन चीज मिस कर दी है, किसी जेन्युइन पर्सन को खो दिया है और अब उन्हें पता नहीं कि वो क्या करें। और ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, अपने पास्ट में इस वक्त पूरी तरह से जी रहा है, क्योंकि उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। इस पर्सन को पता है कि आप एम्प्रेस जरूर हैं, यानी वो इंसान जरूर है जो जब किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो अपने पर्सन को आप अपने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने से ऊपर रखते हैं। पर वो ये भी जानते हैं कि एम्प्रेस अपने बारे में अच्छे से जानती है कि वो कौन है। वो जानते हैं कि आप अपनी पावर में कौन है, यानी कि आप अपनी रियलिटी में कौन है। ओके, द क्वीन। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि उन्हें आप सीरियसली नहीं लेने वाले हैं और यू नो, ये पर्सन इस बात से हर्ट जरूर है।
हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Lord of Scepters, Lord of Knives. Eight of Grails, Two of Knives, and Daughter of Grails. Eight of Graves. इस पर्सन को आपकी मदद की जरूरत है। ओके, ये पर्सन आपको ऐसा सरफेस पे लग सकता है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने बारे में, इनके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है, इनके अंदर कोई पछतावा नहीं है और ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप ऊपर से देखें तो ये किंग की तरह नजर आता है, जो कि अपने लाइफ को जीना जानता है, जो कि अच्छी तरह से जानता है कि उन्हें क्या चाहिए। अगर आप सरफेस पे देखें तो उनकी लाइफ कंप्लीट नजर आती है, पर एट ऑफ रेल्स का मतलब है कि ये पर्सन अभी भी किसी चीज से बंधा हुआ है, किसी तरीके की यू नो हैबिट हो सकती है, ये एडिक्शन हो सकता है, हो सकता है इन्हें फ्लर्ट करने की आदत है या कोई ऐसी बुरी आदत जिस पे इनका कंट्रोल नहीं है, पर ये कंट्रोल डेफिनेटली करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो डॉटर ऑफ ग्रेल्स है यहाँ पर, इसका मतलब ये पर्सन आपसे फिजिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको देख रहा है कहीं ना कहीं से, और ये स्पेशली आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है, और यू नो ये पर्सन आपके क्लोज होना चाहता है फिजिकली। इस पर्सन के अंदर इनसिक्योरिटी भी है आपके कॉन्फिडेंस और आपके स्टार्म को देख के, उन्हें ऐसा जरूर लग रहा है कि दूसरे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, और लॉर्ड ऑफ नाइट्स के साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ या दूसरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये पर्सन इन चीजों को होने से रोकना चाहता है। उन्हें कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच का कनेक्शन बाकी है और आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं। ओके, टू ऑफ नाइट्स के साथ आपके लिए एक टफ टाइम हो सकता है टॉरस। आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके दिमाग में आए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस। हो सकता है आप एक डिसीजन कर ले कि आपको यहां से बाहर जाना है, मगर फिर भी आपको बार बार ऐसा लगे कि आपको एक मौका देना चाहिए। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये सिर्फ एक तरीके का हीलिंग प्रोसेस है जहां आप ऑन एंड ऑफ किसी थॉट पर बार बार हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द ईस्ट, आपको कहा जा रहा है कि अपने स्पिरिट से कनेक्ट कीजिए, अपने स्पिरिट के उस साइड से कनेक्ट कीजिए जो हीलिंग है, जो रिफ्रेशिंग है, जो आपको समझ सकता है, और किसी बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर चीज इवेंचुअली किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर
कुछ ना कुछ इसका मीनिंग जरूर निकलता है। तो यहाँ पे अगर आप चीजों कभी समझ नहीं पा रहे हैं तो अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ समय के बाद अपने आप सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये है रीडिंग आपके जनवरी के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।